अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको लेकर आए हैं मलीर टाउन रेजिडेंसी फेज 6 के मुख्तसर से विज़िट पर। यहाँ पर 120 गज़ के प्लॉट्स मौजूद हैं। अभी आप वीडियो में देख सकेंगे कि यहाँ पर बिल्डर की तरफ से जो काम होते हैं सेवरेज का, पानी की लाइनों का, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह और रोड्स वगैरह को क्लियर करना, ये काम मुकम्मल हो चुके हैं और इसके बाद यहाँ पर लोगों ने अपने घर बनाना शुरू कर दिए हैं। ये सोसाइटी जो थी वो 4 साल की किस्तों पर थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 2.5 साल के अरसे में ही बिल्डर ने यहाँ पर लोगों को पोजेशन दे दी है और लोग आसानी अपना घर बनाकर यहाँ पर शिफ्ट भी हो चुके हैं। अभी भी यहाँ पर कुछ प्लॉट्स ऐसे हैं जो कि रीसेल के लिए अवेलेबल हैं। अगर आप लोग यहाँ पर अपना प्लॉट बुक कराना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर्स पर रابطہ कर सकते हैं और विज़िट करने के लिए भी हमारे दिए गए नंबर्स पर रابطہ कर सकते हैं। इसकी लोकेशन जो है मैं आपको बताता चलूँ, ये अलजदीद रेजिडेंसी से कुछ ही मिनट्स पहले वाक़ है और कैन अकेडमी वाले रोड से भी आप बआसानी यहाँ तक पहुँच सकते हैं। ये महंगी सोसाइटियों के दरमियान एक सस्ता प्रोजेक्ट है। सस्ते से मुराद ये है कि अगर इसकी बराबर में जो सोसाइटीज़ वाक़ हैं वहाँ 70 लाख रुपए का प्लॉट है, तो यहाँ पर आप 55 से 60 लाख के दरमियान आप परचेजिंग कर सकते हैं, वो भी किस्तों के ऊपर। तो अगर आप लोग अपना प्लॉट बुक कराना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर रابطہ कीजिए और मज़ीद डिटेल्स हासिल करने के लिए भी आप हमारे दिए गए नंबर्स पर रابطہ कर सकते हैं। ये GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का प्रोजेक्ट है जिसमें 120 गज़ के प्लॉट्स मौजूद हैं। अच्छा, जो लोगों ने यहाँ पर रिहाइश इख्तियार कर ली है तो बिल्डर की तरफ से उनको पानी और बिजली प्रोवाइड की जा रही है। जैसा कि आपने वीडियो के अंदर ही देखा होगा कि जो जिस घर में रिहाइश मौजूद है वहाँ पर मीटर बिल्डर की तरफ से लगे हुए हैं और बिल्डर जो है वहाँ पर जनरेटर के ज़रिए, अभी फ़िलहाल तो जनरेटर के ज़रिए बिजली प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप इस प्रोजेक्ट की तफसीली वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दें और आगे शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।